Good morning, students. Today we will start same topics, forms of business. And in this we learned about the partnership. And recently we learned few days back in the form of business. One was sole proprietorship. In that one we had seen that is sole proprietorship means the ownership business, their features and merits. All we studied in detail, and the second we learned about the joint Hindu family business, and this is the third topic in that. That one is partnership. What is partnership? Basically, in the sole partnership, the owner will be only one, so he has limitations. He cannot put if they want to expand the business, they require more money, more capital. So what they can do? So with two or more people, they can join together for for the mutual interest. That is called partnership basically. With the partnership, two or more person to agree to cooperate to advance their mutual interest. That is question, दो और दो से ज़्यादा लोग एक ही इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है, उसकी कैपिटल बढ़ जाता है, उसकी जो है बिजनेस के ऑपरेशन में ज़्यादा हेल्प हो जाता है, क्योंकि उसके पास मनी भी आ जाता है, मैन भी आ जाता है, डिसीजन मेकिंग एवरीथिंग विल हेल्प इट आउट. बहुत से लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, जिसको एक्सपैंड करना हो, जिसको आगे बढ़ाना हो, जो बड़ा बिजनेस करना चाहता हो. तो बोलते हैं कि टू वेल टू और मोर पर्सन टू एग्री टू कोऑपरेट टू एडवांस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके लिए क्या होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट है यहाँ पे इंडिया में, दैट इज कॉल्ड 1932. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ये क्या बताता है 1932 का, एक रिलेशनशिप बनता है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में. वो है एग्री टू शेयर, जो क्या करता है, आप शेयर करते हैं, एक पार्टनरशिप डील बनता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि किसका कितना कैपिटल है, किसका कितना शेयर होगा, कितना प्रॉफिट शेयर होगा, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर द म्यूचुअल इंटरेस्ट अंडर द पार्टनरशिप का 1932. तो बोलते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप का 1932. इसके अंदर फीचर आप देखेंगे, इसके क्या क्या फीचर है, पार्टनरशिप अगर जो बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या फीचर होगा, क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या नुकसान, मेरिट है, फीचर विल गोइंग थ्रू. तो पहला बोलते हैं कि फॉर्मेशन करना, कंपनी है जो है पार्टनरशिप में बनाना आसान है, क्योंकि दो आदमी की ज़रूरत है और दोनों आदमी के साथ क्या करना पड़ेगा. तो जब भी हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, इसके लिए हमें जो है एक डील बनाना पड़ता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है. तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर. तो दोनों के बीच में एक पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, जैसे हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कोर्ट के पेपर में. तो दोनों में एग्रीमेंट में दोनों की अथॉरिटी की साइन होगा और उसमें सारा चीज़ मेंशन होगा, कितना कितना पार्टनर, कौन कौन कितना कैपिटल लगा रहा है और उसका क्या प्रॉफिट शेयर होगा, सारा चीज़ मेंशन किया जाता है. क्योंकि अगर से एग्रीमेंट नहीं होता तो फ्यूचर में अगर से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कंपनी डिजोल्व होती है, तो उसके जो है प्रॉफिट में बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर कोर्ट जो है वैसे को इंटरटेन नहीं करता है. तो ये ऑप्शनल भी होता है, तो कंपल्सरी में लिखी हुई होता है पार्टनरशिप का. पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ऑन द बेसिस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, एग्रीमेंट करना ज़्यादा बेहतर है. दूसरा बोलते हैं कि इसमें लायबिलिटीज जो होती है कंपनी को, अगर से लॉस होता है ऑल द मेंबर्स आर अनलिमिटेड लायबिलिटीज. जितने मेंबर है इसमें लायबिलिटी होती है इन केस ऑफ लॉस समथिंग हैपन. अब उसमें जो है तो कैसे जो है लायबिलिटीज क्या होगा, सभी के देनदारी होगी. अगर जो कर्ज हो जाता है कंपनी पे, अब कंपनी का कर्ज है, दो पार्टनर है, तो सभी को चुकाना होगा, दोनों पे लायबिलिटीज आएगी. इसमें यही फायदा होता है पार्टनरशिप पे, अकेला जो सोल पार्टनरशिप में होता है तो पूरा रिस्क अकेले बेयर करता है और पूरा जो लायबिलिटीज भी जो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी होती है. इसमें क्या होता है, रिस्क शेयर हो जा रहा है. अब लायबिलिटीज भी हुई तो दो आदमी चार पार्टनर है तो सबको अपना अपना लायबिलिटी जो चुकाना होगा अपने प्रॉफिट शेयर के हिसाब से. जितना जो है पैसा लगा हो, जितना प्रॉफिट ले रहा था, उतने का लॉस हो सहेगा. ये जो है ऑल द मेंबर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस. थर्ड इज रिस्क बेयरिंग. रिस्क हम लोग देखते हैं, रिस्क का सभी पे होता है पार्टनर, इसीलिए लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं कि थोड़ा रिस्क जो है कम हो जाता है, क्योंकि सभी पे बर्डन जो है डिवाइड हो जाता है. दो तीन पार्टनर हो गए तो लॉस भी होता है, तो कीमत होता है चलो थोड़ा थोड़ा ही जाएगा. तीन पार्टनर हम लोग हैं, चार पार्टनर हैं, तो रिस्क होते हैं. इन केस ऑफ लॉस द पार्टनर शेयर द लॉस इन द सेम रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट. अब जो है अगर लॉस हो जाता है, अब दो पार्टनर हैं, अब लॉस हो गया 10 लाख रुपये का, तो उसके हिसाब से बांटा जाएगा दोनों कि कितना किसका प्रॉफिट शेयर था, उसी रेशियो में उसको जो है लॉस का भी शेयर करना पड़ेगा. किसी का प्रॉफिट शेयर 20% है, किसी का 80% है,
तो 80% वाले जो शेयर प्रॉफिट ले रहा था उसके जो लॉस भी 80% देगा, 20% वाले 20% देगा। तो ये जो बोलते हैं कि रिस्क कैरिंग भी ऐसे शेयर हो जाता है जिससे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इजी हो जाता है, लोग भी मोटिवेट होते हैं। फिर बोलते हैं इसमें डिसीजन मेकिंग ईच पार्टनर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन, जितने पार्टनर हैं सब क्या कर सकता है, सभी को अपनी मैनेजमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करना है और सभी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, सारे एक्टिविटीज करते हैं लोग, तो इसीलिए जो पार्टनरशिप जो है बिजनेस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग सारे लोग मिल के करते हैं। फिर बोलते हैं कंटिन्यूटी की, इसमें जो है प्रॉब्लम होती है कंटिन्यूटी की, जैसे तो सोल पार्टनरशिप में देखा कि कंटिन्यूटी अगर डेथ हो जाता है ऑनर का तो कंटिन्यूटी बिजनेस खत्म हो जाता है और जो बिजनेस चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब कोई चलाने वाला है नहीं, ये इंसॉल्वेंसी हो गया, बैंकरप्टसी हो गया, कुछ ऐसा होता खत्म हो जाता है। वैसे पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है कि डिसीजंस ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट एंड बैंकरप्टसी ऑफ द पार्टनर। अब दो तीन पार्टनर है, दो तीन में से एक दो जो है कुछ जो है रिटायर कर गया कोई या बैंकरप्ट हो गया तो वो कंपनी नहीं चलेगी, खत्म हो जाता पार्टनरशिप, ये जो कंटिन्यूटी इसमें खत्म हो जाता है। ये सारे इसमें फिर बोलते हैं इसके मेंबर कितना मेंबर होना चाहिए, तो बोलता है कि अंडर कंपनी एक्ट 1932 मिनिमम जो पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट जो बनते हैं कम से कम दो पार्टनर होना जरूरी है मिनिमम, और मैक्सिमम 50 जा सकता है। ये जो न्यू कंपनी लॉ है 2013 के हिसाब से मैक्सिमम जो पार्टनर 50 पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस रन कर सकता है और मिनिमम कम से कम दो आदमी चाहिए। फिर से बोलते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी इस पार्टनर बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, सर एक पार्टनर क्या होता है एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी काम करते हैं। ये सारे हम लोगों ने देखा तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप कैसा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कम से कम जो है एक एग्रीमेंट बनता है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो कंपनी एक्ट हमारा है 1932 का उसके हिसाब से फॉलो किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप कंपनी के एक्ट क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है एग्रीड पर्सन टू हैव एग्रीड टू शेयर द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, एग्रीमेंट होता है दोनों एग्रीड होते हैं तो या दो से ज़्यादा लोग कंपनी एक्ट को फॉलो कर पाता है। फॉर्मेशन में हमने देखा कि कंपनी बनाना सिर्फ एग्रीमेंट की जरूरत होती है, कंपनी फॉर्म हो जाती है और बिजनेस रन होते हैं। लाइबिलिटी जो सारे की लाइबिलिटी जाती है, सारे पार्टनर को अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, जितना खर्च करदार है सब कुछ चुकाना होगा उस पर। रिस्क कैरिंग में क्या होता है कि रिस्क शेयर हो जाता है, इसमें रिस्क जो है जिसका जितना प्रॉफिट शेयर है उसी हिसाब से वो रिस्क बेयर करेगा, लॉसेज होता है उसको देना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग में सारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, सब जो है उसमें ऐड करता है। कंटिन्यूटी अगर जो पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, ये डिसीजन ऑफ फंड इज अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट या बैंकरप्टसी, इसके वजह से कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, रिटायर हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है तो कंपनी खत्म हो जाएगी। इसमें मेंबर हम लोग ने देखा कि मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 50 चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी में देखा कि सारे पार्टनर क्या होते हैं, एजेंट भी काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑनर भी होता है और खुद काम भी करता है बिजनेस में। तो ऐसे हम लोग बात किया कि ये जो है फीचर्स हैं। अब देखें हम इसके मेरिट्स क्या है, मेरिट्स हम लोग देखेंगे कैसे जो है इसके क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरिट्स हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप के, पहला पॉइंट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कंपनी बनाना बहुत आसान है पार्टनरशिप का, दो आदमी चाहिए या दो से ज़्यादा लोग चाहिए फॉर्मेशन कर सकता है, और क्लोज भी करना चाहिए पार्टनरशिप डिजोल्व करना आपस में जो है बहुत आसानी से क्लोज कर सकता है, सिर्फ इसमें एग्रीमेंट करवानी पड़ती है जो कंपनी एक्ट हमारा 1932 है उसके हिसाब से चलेगा। इसमें दूसरा जो फायदा है बैलेंस डिसीजन मेकर, यानी सब मिल के ही डिसीजन मेकिंग करते हैं, जितने पार्टनर हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, किसी एक आदमी को नहीं चलता, जितने पार्टनर हैं सब लोग अपने मिलकर काम करते हैं, इसमें एक फायदा हो जाता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, इसका जो बात किया शेयरिंग ऑफ रिस्क हो जाता है, अकेला कोई बिजनेस चला रहा है एक करोड़ चला रहा है तो उसको जो है एक करोड़ हो गया और कैपिटल बढ़ाना चाह रहा है 5 करोड़ लगाना चाह रहा है, 5 करोड़ का बिजनेस होता है, एक दो पार्टनर बन जाएगा थोड़ा थोड़ा मनी लगाया और जो है 3 पार्टनर मिलकर 5 करोड़ लगाया, अब उसको शेयरिंग स्कीम अब थोड़ा जो है कंपनी में बड़ी होगी, अरे सभी पे बढ़ गया, सभी पे अगर लॉस होता है तो अपने अपने प्रॉफिट हिसाब से सबको देना होगा, इसमें जो है ऐसे बिजनेस में हिम्मत हो जाता है लोगों को और जो है डर खत्म हो जाता है, इसके लिए शेयर हो जाता है, ये इसके फीचर्स हैं मेरिट्स हैं। फिर बोलते हैं सीक्रेसी होती है, इसमें पार्टनर लिमिटेड होता है तो कंपनी का जो है मैनेजमेंट भी जो है डिसीजन लेता है, इसमें सर कंपनी की सीक्रेसी होती है, ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर लोगों के बीच में कम होता है, ये 2-4 पार्टनर जो है सारी बातें जानते हैं, किसके कौन से सप्लायर हैं, क्या प्राइसिंग
सेल कर रहा है, क्या क्या उनके प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें माइक्रो के डिसीजन मेकिंग शेयर जो है दूसरे के साथ देते हैं, सीक्रेसी होती है, इसकी विशेषताएँ हैं। फिर मोर फंड्स हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर फंड्स हो जाता है। अकेला कहीं प्रोडक्ट सीक्रेस कर रहा तो एक आदमी करोड़ लगा रहा तो मुश्किल है, पाँच आदमी की 5 करोड़ की कंपनी बन गई तो जो है ज़्यादा फंड हो जाता है, ज़्यादा जो है कंपनी एक्सपेंड कर सकता है, उसकी टर्न ओवर ज़्यादा हो सकती है, आउटपुट ज़्यादा कर सकता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ये सारे इसके मेरिट्स होंगे, लेकिन इसे कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या आज देखने को अभी डिमेरिट्स के कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। पार्टनरशिप में डिमेरिट्स क्या आते हैं, जिसमें जो है पहला डिमेरिट्स अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अगर से कंपनी अच्छा से रन करा तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस लॉस हो जाता है कंपनी को, अगर से लॉस हो गया, अब एक रुपये लोन लगाया 20-20 लॉस हो गया मालिक 50 लाख का, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी सारे पार्टनर को अब चुकाना होगा। तो ये जो उसके एक ये है कि अब जो है सारे लोग मिलकर करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है लगता है कि हम जो प्रॉफिट के लिए काम किया था इसमें लायबिलिटी सब चुकाना होता है, कोई एक पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गबन किया कुछ किया, तो लायबिलिटी है अनलिमिटेड लायबिलिटी सबको चुकाना होगा कंपनी के। ये सारे चीज़ें उसकी डिमेरिट्स में आ जाता है। दूसरी पॉइंट होता है कि इसमें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज भी होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, आप पार्टनर हैं तो अपने लिमिटेड है रिसोर्सेज भी जितना होना चाहिए उतना जो है रिसोर्सेज नहीं मिल पाता, और उसको पैसे चाहिए तो जो है अपना पार्टनर भी बनाने चाहते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह कर ये लोग जो है और एक्सपेंड करना हो तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दो पार्टनर जो भी है तो उतने लिमिटेड मनी लगाता है, जो एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उसके भी ये भी एक डिमेरिट्स है, उससे ज़्यादा वो जाएगा। और तीसरा जो है इंडिया में खास करके पार्टनरशिप का बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपस में मतभेद होने का, लड़ाई होने का, कंपनी टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है, अपना कोई चलाने लगता है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, अच्छा से रन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये भी खतरा होता है यहाँ पे, तो ये है पॉसिबिलिटी रहती है इसके डिमेरिट्स है। और चौथा मुझे फीचर में देखा था लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंपनी क्या होता है कंटिन्यूटी नहीं रहती इसमें, अगर जब किसी भी पार्टनर का 2-3 पार्टनर है, किसी एक पार्टनर का कुछ ऐसा हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो अपने पार्टनर को बिजनेस रन करने में मुश्किल हो जाती है, ये सारे जो है प्रॉब्लम हो जाती है, कंटिन्यूटी इसमें खत्म हो जाती है। कि बोलते हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, एक पार्टनर का लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी पब्लिक को क्या नहीं करती है कॉन्फिडेंस, में बोलते हैं कि पार्टनरशिप ऑफ नॉट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स, बोलते कि जैसे कंपनी में होता है अपना जो फाइनेंशियल सारे रिकॉर्ड जो पब्लिश करता है, लेकिन ये पार्टनरशिप में कंपनी अपनी जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो जो है पब्लिश नहीं कर सकता पेपर में, या दूसरे लोग नहीं जान सकते, जिससे जो है पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं आता उसके जो है उसके जो शेयर में या उसकी कंपनी में उसकी प्रोडक्ट का प्रमोटिंग कम हो पाता है, ये सारे जो है उसकी कमियाँ रह जाती है। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने तरह का पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप हम लोग ऐसे बात करते हैं कि 4 तरह का होता है, एक तो एक्टिव पार्टनर होता है, फिर स्लीपिंग पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर, ये सारे लोग डिटेल अगले क्लास में देखेंगे। तो हम लोग ने इसमें क्या क्या सीखा कि फीचर देखा कंपनी का, पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर है, और जो है मेरिट्स देखा, इसके डिमेरिट्स देखा। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है ऐसे ही रन होता है, अब हम लोग इसके टाइप पढ़ेंगे कि कितने टाइप का पार्टनरशिप होता है, उसके क्या क्या विशेषताएँ हैं, और जो है क्या क्या प्रॉब्लम होती है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, आई यू कैन गो थ्रू इन द फ्रॉम द बुक। ओके ओके, हैव अ नाइस डे।